रुको रुको जरा सबर करो, इतना अर्जेंट क्या है आने का। ये हाल ओप्पो वालों का दोस्तों, फिलहाल ही ओप्पो रेनो 5 लॉन्च हो चुका था दोस्तों। अब तो ओप्पो रेनो 6 सीरीज दोस्तों 3C सर्टिफिकेशन पर लीक हो चुकी है। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 6 सीरीज के बारे में दोस्तों। कुछ ही दिनों में हमें ओप्पो रेनो 6 सीरीज देखने को मिलती है, तो दोस्तों कुछ स्ट्रॉन्ग लीक्स निकल कर आए हैं ओप्पो रेनो 6 के रिलेटेड दोस्तों। आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले दोस्तों ओप्पो रेनो 6 से रिलेटेड कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में। कुछ स्ट्रॉन्ग लीक्स वगैरह निकल कर आए हैं दोस्तों, आज इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लीक्स हैं दोस्तों, कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन वगैरह लीक हो चुके हैं। ये इंडिया में कब तक आएगा, क्या प्राइस में आएगा, कौन से प्रोसेसर में आपको देखने को मिलता है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वाली वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ में इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमें कॉमन चीज़ें देखने को मिलते हैं उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। आपको इसके अंदर 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, ओप्पो रेनो 6, ओप्पो रेनो 6 प्रो, ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस। आपको इस तरह 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 65 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, इसके साथ में आपको 30 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों ओप्पो रेनो 5 जो था दोस्तों, उसके अंदर भी आपको 65 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता था, तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलती है। इसी तरह अगले स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको इसके अंदर एंड्रॉयड 11 और इसी के साथ में कलर ओएस 11.1 देखने को मिलता है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिलता है। इसी तरह अगले स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको इसके अंदर सोनी IMX789 वाला सेंसर आपको देखने को मिलता है, तीनों मोबाइल में यही सेंसर सपोर्ट करेगा दोस्तों। अगले स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों आपको इसके अंदर तीनों में भी बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके बाद असल मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, मतलब इसके प्रोसेसर के बारे में दोस्तों। आप तो दोस्तों इसके अंदर जो 3 वेरिएंट है दोस्तों, तीनों वेरिएंट में आपको अलग अलग प्रोसेसर देखने को मिलता है। आपको ओप्पो रेनो 6 में अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्लस आपको उसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसी तरह दूसरे मोबाइल के बारे में बात करेंगे तो ओप्पो रेनो 6 प्रो में आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो दोस्तों चाइना में रेडमी K40 के गया था वो प्रोसेसर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसी तरह तीसरे मोबाइल तीसरे वेरिएंट के बारे में बात करेंगे तो आपको ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस के बारे में बात करेंगे तो आपको इसके अंदर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो दोस्तों शाओमी के मी 11 में आपको देखने को मिला था वो प्रोसेसर आपको ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस में आपको देखने को मिलता है, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। जो एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जो दोस्तों लास्ट जो मोबाइल में दो प्रोसेसर हैं दोस्तों कॉलकॉम के, 870 वाला 888 वाला दोस्तों काफ़ी तगड़ा सा प्रोसेसर होने वाला है, ये काफ़ी स्ट्रांग है दोस्तों, आपको गेमिंग वगैरह में बहुत ही अच्छा वाला और दोस्तों आपको बहुत ही तगड़ा इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और दोस्तों और एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों, शुरू में बताना था तीनों मोबाइल आपको 5G मोबाइल देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगले स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको ओप्पो रेनो 6 और ओप्पो रेनो 6 प्रो में 90 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलती है, और ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलती है। ऑफ कोर्स दोस्तों ओप्पो रेनो 5 में एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिली थी, इसके अंदर भी आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपको इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वगैरह का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। आपकी राय क्या है दोस्तों इस वाले डिस्प्ले से रिलेटेड, डिस्प्ले काफ़ी बेहतर होने वाला है, काफ़ी ब्राइट होने वाला है, काफ़ी तगड़ा सा आपको इसके अंदर डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों बहुत ही जल्दी ओप्पो रेनो 6 सीरीज लॉन्च होने वाली दोस्तों, आपको मई और जून में आपको इस वाली सीरीज देखने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों इसके प्राइस वगैरह के बारे में अभी तक कोई भी आइडिया नहीं है दोस्तों, कोई भी लीक वगैरह नहीं निकल कर आई। इसकी प्राइस अबाउट 30,000 के अबाउट देखने को मिल सकती है। दोस्तों देखते हैं मई और जून के महीने में जब इंडिया में इस वाला मोबाइल आता है तो क्या प्राइस पर आता है, कौन से स्पेसिफिकेशन पर आएगा, कौन से मोबाइल को टक्कर देने के लिए आएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार करिए। और आपका क्या ओपिनियन है इस वाले मोबाइल से रिगार्डिंग दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि इस वाला मोबाइल कौन से प्राइस में इंडिया में आ सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वाली वीडियो आपको पसंद आए तो इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।